मैं डॉक्टर वैभव वैष्णव, हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्रिटिकल केयर मेडिसिन एट मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। आज वर्ल्ड ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम इस बारे में अपने विचार शेयर करेंगे आपसे कि जो एक्सीडेंट से, ट्रॉमा से जो जनहानि होती है, जो दुर्घटनाएँ होती हैं, उनसे किस तरह से बचा जाए, या अगर इस तरह की दुर्घटनाएँ दुर्भाग्यवश हो जाती हैं तो किस तरह से उन मरीजों को जो है मेडिकल सहायता समय पे उपलब्ध करवाई जा सके, जिससे उनकी जान बचाई जा सके, या उनको जो ऑर्गन डैमेज है जो उसको मिनिमाइज किया जा सके, उसको कम से कम लेवल पे रोका जा सके, और उनको अर्ली रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड किया जा सके, जिससे वो जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ करके मुख्यधारा में शामिल हो सके। ये इसलिए भी आवश्यक है कि सबसे पहली बात है कि ये चीज़ जो एक्सीडेंट्स हैं और जो ट्रॉमा है, ये टोटली प्रिवेंटेबल चीज़ है। सबसे पहली आवश्यकता इस चीज़ की है कि हम इस चीज़ पे भी फोकस करें कि स्पेशली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ये हो ही नहीं, और हो तो बहुत ही मिनिमम कम लेवल पे हो। आवश्यकता है हमें बहुत ही मेटिकुलसली ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की। जैसे कि अगर हम हेलमेट पहनकर रखते हैं तो सिग्निफिकेंट हेड इंजरी होने की, इस तरह की बड़ी हेड इंजरी होने की जिसकी वजह से जान चली जाए, उसकी संभावना बहुत ही नगण्य रह जाती है। तो सिर्फ एक इस ट्रैफिक रूल को फॉलो करके भी हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। इसी तरह की चीज़ सीट बेल्ट के लिए भी है। इसी तरह की चीज़ अल्कोहल लेने के बाद में ड्राइव ना करना। इन चीज़ों को लेकर जनता जितनी अवेयर होगी, जितना इन चीज़ों को हम ध्यान से फॉलो करेंगे, सबसे पहली बात यह होगी कि हम एक्सीडेंट्स को, इस ट्रॉमा को प्रिवेंट कर पाएंगे। इस तरह का संकट हमारे सामने आएगा ही नहीं। फिर भी अनफॉर्चुनेटली कभी किसी स्थिति में कोई एक्सीडेंट होता है, और अगर आप वहाँ से गुजर रहे हैं और इस तरह का कोई दृश्य आप देखते हैं, तो हमेशा हमारे मन में ये बात आती है कि किस तरह से हम इस ट्रॉमा के विक्टिम की, जिसको एक्सीडेंट में इंजरी हुई, इसकी हम मदद कर सकें। सबसे पहली चीज़ कि आजकल जो गवर्नमेंट और पुलिस का सिस्टम भी जो है, वो इस तरह से इतना कोऑपरेटिव है कि इस तरह के मरीज़ को अगर आप अस्पताल ले जाते हैं प्राथमिक उपचार के लिए, तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, और किसी तरह की लीगल परेशानी का सामना आपको जो है नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले इस स्थिति में होना चाहिए कि हम तुरंत वहाँ पर मेडिकल सर्विसेज को उपलब्ध करवाएँ। इसके लिए जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के नंबर होते हैं, वहाँ पे कॉल करके हम एम्बुलेंस बुलाने का प्रयास करें, और जब तक वो एम्बुलेंस आती है तब तक उस ट्रॉमा के विक्टिम को हमें संभालना पड़ेगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने भी लोग हैं वो सभी एक बेसिक लाइफ सपोर्ट करके जो सिस्टम होता है उसको फॉलो करें और उसको सीखने का प्रयास करें। बहुत जगह पे हमारे मणिपाल हॉस्पिटल में भी हम बहुत बार इस तरह के कैंप वगैरह लगाते हैं, जिनमें लोगों को चेस्ट कंप्रेशन और जो CPR जिसे हम कहते हैं वो देना सिखाया जाता है, और कई बार वो लाइफ सेविंग साबित होता है बहुत सारे मरीजों के लिए, जब तक कि एम्बुलेंस या एक्सपर्ट मेडिकल सर्विसेज वहाँ पर पहुँचती हैं। उस तरह के मरीजों में स्पेशली कोई ब्लीडिंग अगर है बहुत ज़्यादा, उसको रोकना बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई लंबा कपड़ा है, रुमाल या साड़ी का टुकड़ा या इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो उससे बहते हुए रक्त को बांध कर उसको रोकना महत्वपूर्ण है। और उस वक्त मरीज की सांस ठीक से चलती रहे, उसका जो एयर वे है, जो सांस लेने का रास्ता है, वो पूरा खुला हो, इस चीज़ को हम ध्यान रखें। और जैसे ही मेडिकल सर्विसेज वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, तो पेशेंट को, मरीज को तुरंत प्रभाव से जो है ऐसी व्यवस्था में, ऐसे हॉस्पिटल में, ऐसे सेंटर पर शिफ्ट करवाएं जहाँ पे उसको आगे का जो है एडवांस ट्रीटमेंट मिल सके। वहाँ जाने के बाद में भी मरीज का जो ट्रीटमेंट होता है वो इस प्रोटोकॉल पर चलता है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सर्वे, जिसको शॉर्ट में ABCDE बोलते हैं, एयर वे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और डिफॉर्मिटी और एक्सपोजर ऑफ पेशेंट। तो पेशेंट का सांस ठीक से चल रहा है, उसका सांस लेने का रास्ता खुला हुआ है, उसका सर्कुलेशन, उसका ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक है, कोई डिफॉर्मिटी यानी कोई फ्रैक्चर वगैरह उसको नहीं है, और इसके अलावा पूरा एक्सपोज करके बॉडी के किसी और पार्ट में भी कोई इंजरी है तो उसको भी वहाँ पर पता लगाया जाता है। इसके बाद में मरीज़ के और कुछ जाँचें वगैरह जो करवानी होती है वो वहाँ पर होती है। अगर कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लान करना है फ्रैक्चर्स के लिए या
सिर में गहरी चोट के लिए, या अगर चेस्ट में, छाती में या पेट में अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए कोई अर्जेंट सर्जरी की आवश्यकता है, तो तुरंत प्रभाव से वहाँ प्लान की जा सकती है। स्पेशली इस तरह के पॉलीट्रोमा के पेशेंट में, पॉलीट्रोमा जिसमें एक से अधिक ऑर्गन सिस्टम्स का ट्रॉमा होता है, सपोज किसी इंजरी में, किसी चोट में, मरीज को पेट में, हाथों में भी चोट लगी है, लिवर में भी है, और साथ ही साथ उसको बोन्स के फ्रैक्चर भी हैं, पैर के, हाथ के कुछ हड्डियों के फ्रैक्चर भी हैं, तो एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की आवश्यकता होती है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स, चाहे ऑर्थोपेडिक्स हैं, चाहे जनरल सर्जरी है, चाहे लिवर सर्जरी वाले डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे, और क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट हैं, वो सारे एक साथ इन्वॉल्व होके और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बना के जो मरीज के लिए समुचित रहता है, जिसमें प्रायोरिटाइज हम कर सकते हैं कि किन ट्रीटमेंट प्लान्स को पहले एग्जीक्यूट करना है, इमीडिएटली लाइफ सेविंग सर्जरीज क्या करनी है वो पहले की जाएं, और जो चीज़ें कुछ समय इंतज़ार कर सकती हैं, मरीज़ के स्टेबल होने के बाद में कुछ प्रोसीजर प्लान किए जा सकते हैं, तो वो प्रोसीजर हम बाद में प्लान करें। तो ये टीम अप्रोच है जिसमें अलग अलग टीम के मेंबर्स मिलके और एक साथ आके एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं जिससे मरीज की जान बचाई जा सके सबसे पहले, और उसके बाद में उसको अर्लीस्ट पॉसिबल उसको इतना रिहेबिलिटेशन दिया जा सके कि वो जल्दी से जल्दी मुख्य धारा में शामिल हो सके, अपने दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी कर सके, अपनी नौकरी या अपने घर पर जिस तरह के वो काम संभालता है उसको जल्दी जा सके। तो आज मैंने आपको ये एक ओवरव्यू बताया कि किस तरह से ट्रॉमा पेशेंट को मैनेज किया जाता है एक मल्टीडिसिप्लिनरी हॉस्पिटल के अंदर। फिर भी अंत में मैं इसी बात पे महत्व देना चाहूँगा कि सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि हम ट्रॉमा को जितना प्रिवेंट कर सकें, जितने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर सकें, वो करके हम इस परिस्थिति को उत्पन्न ना होने दें, और हो तो पूरी मानवता के साथ में तुरंत उस मरीज को जो पास में जो अस्पताल है, नियर बाई जो फैसिलिटी है, वहाँ पर हम लेके जाएँ, उसका इलाज उपचार शुरू करवाएँ, और गोल्डन आवर इस पीरियड का ध्यान रखें। शुरू के एक घंटे में जिन लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है, उनके सर्वाइवल की, उनके जीवित रहने की संभावना उन मरीजों की तुलना में बहुत ज़्यादा है जो कुछ समय बाद में इस तरह की मेडिकल फैसिलिटी पर पहुँचते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह के ट्रॉमा के पेशेंट को जब भी आप देखें, तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी हो सके उसको अस्पताल ले जाने का प्रयास करें, वो उसको लाइफ सेव करने में हमेशा मदद करेगा। यही मैं आपसे आज शेयर करना चाहता था इस वर्ल्ड ट्रॉमा डे के मौके पर। धन्यवाद। थैंक यू।